वेलकम गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं रामलीला में आया हूँ, रामलीला देखने के लिए, और विभिन्न प्रकार के पात्र यहाँ पर सज रहे हैं। धीरे धीरे से उनसे इंट्रोडक्शन करना की प्रयास करेंगे। और ये पीछे किस चीज़ का रोल कर रहे हो तुम? रावण की सेना। रावण की सेना, तो तुम भी रावण की सेना में हो? तुम राम की सेना में हो? अच्छा अच्छा, और लोगों से मिलते हैं। तो एक और शख्स हमारे साथ आ गए हैं। अब इनसे पूछते हैं कि ये किस चीज़ का रोल कर रहे हैं, किस चीज़ का रोल कर रहे हो तुम? रावण। तीनों लोग रावण की सेना में रोल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और लोगों से मिलते हैं। और हमारे साथ और कई प्रकार के संवाद यहाँ पर मुनि जी भी सज रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इनसे पूछते हैं कि किस चीज़ का रोल ये कर रहे हैं। रामलीला बहुत ही भव्य तरीके से विगत कई वर्षों से यहाँ पर होती है। मैंने इस एरिया के बारे में सुना, इसलिए मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रामलीला देखने को मिल रही है। और जैसा कि पीछे देख सकते हैं, पीछे राम भगवान हमारे साथ इनके पास आकर मिलते हैं। तो किस चीज़ का रोल कर रहे हैं आप महाराज? राम जी का कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, राम जी के वेश में बड़े ही सुंदर आप नजर आ रहे हैं। तो आप कितनी वर्षों से राम भगवान के रूप में यहाँ पर रोल दे रहे हैं? महाराज जी आपके आशीर्वाद से 7 साल से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, देख कर बड़ी ही प्रसन्नता लगी है। और सही काम है। और क्या कहना चाहते हैं तो आप रामलीला? बस महाराज जी कहना चाहते हैं, रामलीला करने से थोड़ा आत्मा में शांति आ जाती है। हाँ, और आगे की अपनी प्रथा है जो आगे को बढ़ रही है। हाँ, बढ़ना चाहिए। हाँ, इतनी ही कामना रखते हैं कि आगे जो हमारे बाद और भी बच्चे तैयार हो, मंडल आगे को चले। हाँ, और किस चीज का रोल कर रहे हो? विश्वामित्री आ गए हमारे साथ। विश्वामित्री का रोल कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। बहुत बढ़िया, और लोगों से, और यहाँ पर सब जगह लोग सस्ते हुए, बहुत ज्यादा सभी लोग तैयार हो गए। और हमारे साथ एक और कलाकार आ गए हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे किस चीज़ का रोल दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरिराम। हरिराम, तो हरिराम जी किस चीज़ का रोल दे रहे हो आप? दासी का रोल दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, दासी का रोल दे रहे हो। और कितने वर्षों से आप ये रोल दे रहे हो दासी का? 4-5 वर्षों से दे रहा। 4-5 सालों से। बहुत बढ़िया, मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से रामलीला का आयोजन किया जाता है। देखते हैं कैसी बढ़िया सुंदर रामलीला हो रही है, और मिलते हैं फिर आगे। देख सकते हैं आप विभिन्न प्रकार के कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है। आप किस चीज़ का रोल दे रहे हैं? सुनैना। और सुनैना के रोल रहे हैं आप, कुछ समय बाद इनको देखेंगे बहुत ही सुंदर रूप में। और हमारे साथ एक और कलाकार जुड़ गए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश लाक्षकार। हाँ, तो आप किस चीज का भूमिका निभा रहे हैं रामायण में? और रावण लक्ष्मण जी किरदार में हूँ। अच्छा, मैं ले चलता हूँ आप लोगों को। आप क्या कहना चाहेंगे पिछली रामलीला के बारे में? और लोग बसई के कुछ कलाकार जो है, दो शब्द बताएं, दो शब्द बोले, दो शब्द बोले जरा। मेरा मानना है भगवान राम की लीला ऐसे ही स्वतः मंचों पर होती रहे, जिससे हमारे भारत में धर्म की पताका फहराती रहे और धर्म हमारे विलुप्त ना हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका रोल देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई है। और दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ही समय बाद रामलीला स्टार्ट होने वाली है, और ये सब कलाकार आपको पंडाल में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ एक और कलाकार जुड़ चुके हैं, इनसे हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, क्या इनका नाम है और किस चीज़ का ये रोल दे रहे हैं। तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राज सांडल है। तो किस चीज़ का रोल दे रहे हैं? मैं आज
राजा बन के जा रहा हूँ। अच्छा, राजा बनकर, बहुत बढ़िया। कितनी सालों से रामायण में आप रोल की भूमिका निभा रहे हैं? 2 सालों से रामायण भूमिका निभा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता होगा रामायण में? बहुत अच्छा, आनंद आता है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। तो कितने समय बाद राम लीला स्टार्ट हो जाएगी? 20 मिनट बाद स्टार्ट होने वाली है। बहुत बहुत 20 मिनट बाद आप इनको राजा के रोल में देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ एक और कलाकार जुड़ गए हैं। इनका किस चीज का रोल दे रहे हैं आप? हम बंदी जन का रोल दे रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं बंदी जन का रोल दे रहे हैं। और कितने सालों से आप ये रामलीला में योगदान कर रहे हैं? रामलीला मुझे आज 6 वर्ष हो चुके हैं। मैं बराबर रेगुलर यहाँ पर भरत का किरदार निभाता हूँ। मेरा मुख्य किरदार है, मैं जो भरत का है, और मैं बीच बीच में छोटे वगैरह पार्ट करता हूँ। तो आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हो? दर्शकों से मेरा यही कहना है, आप भी इंटरेस्ट रखें, और आपके कहीं भी अगल बगल रामलीला होती है तो आप भी अपना मुख्य किरदार निभाएं, जिससे हमारा धर्म आगे बढ़ेगा और हिंदुत्व की भावना लोगों में जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर अभिनय देखने को मिल रहा है, और विभिन्न प्रकार के कलाकार यहाँ पर हमने देखे हैं और उनसे मिले हैं। उनके द्वारा एक ही संदेश दिया गया है कि अपने धर्म और सद्भावना पर पद पर व्यक्ति आकर्षित हो, यही इनका कहना है। यही बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, रामलीला प्रारंभ हो चुकी है और राम जी और लक्ष्मण जी बैठ चुके हैं, जैसा कि आपको बता दें, देख सकते हैं। और हमें बताइए कि यह कैसा स्थान है जहां दूर दूर
तक कोई पशु पक्षी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है गुरुदेव, यह क्या है गुरुदेव? और पूछा मन है शिला और हे गुरुदेव कहिए रामलाल जी। देखिए इसी दियाबान जंगल में और सुनसान जगह में एक पत्थर की शिला दिखाई पड़ती है गुरुदेव, यह क्या है गुरुदेव, हमें समझा कर बताइए। और गौतम नारी श्राप और उपन स्त्री अहिल्या पत्थर शराब के कारण पत्थर की देह धारण किए हुए पड़ी हुई है। और हे प्रभु आपके चरण कमलों की रज रज के द्वारा उतार हो जाएगा, इसलिए कृपा करके उतार कीजिए। ये तीनों लोगों के स्वामी आपकी जय हो। मैं अपने पति के श्राप से आज मुक्त हो गई हूँ। मैं अपवित्र और अशुद्ध नारी जो आपके दर्शन पाकर आज धन्य हो गई है। हे तीनों लोगों के स्वामी आपकी जय हो, जय हो। हमारी बगिया में ऋषि विश्वामित्र पधारे हुए हैं महाराज। अच्छा ऋषि विश्वामित्र जी महाराज अपनी बगिया में पधारे हुए हैं। हाँ महाराज ठीक है, चलिए मैं उनके साथ के लिए चयन करता हूँ। और संत सचिव सुशील भूर भट्ट और भूसर बने गुरु कन माया अभिमान जो जो पग आगे बढ़ाए कोटि यज्ञ समान। चलिए सत्य कहा प्रभु, मैं स्वयं उनसे मिलने चलता हूँ। चलिए महाराज चलिए। स्वीकार की प्रसन्न रहिए राजन। चलिए गुरुदेव आसन ग्रहण कीजिए। चलिए गुरुदेव पानी और कुशलो प्रसन्न कहे बारही बारा हमारे पीछे रावण जी बैठे देख सकते हैं। मेरा आदेश है कि तुम तैयार सभी देशों में जाकर के सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित जी खड़े हुए हैं इस प्रकार से महाराज रखने हुआ अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा है और सभी को सूचित करो इनको। ठीक है महाराज आपकी आज्ञा का पालन। रामचंद्र जी हैं आज्ञा भी हुए हैं। ठीक है इनका बहुत ही सुंदर अभिनय अभी आपको देखने को मिला है जो कि बहुत ही प्रशंसापूर्ण रहा है और इसी प्रकार से उम्मीद करते हैं सहयोग आगे बनाए रखें।